Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 27th of June. So let's start the day with the first important topic and that is Belize. तो ये जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हाल ही में सर्टिफाई किया है बेलीज़ को एज फ्री ऑफ मलेरिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सवाल आते हैं कि कौन सी कंट्री को हाल ही में जो वन लाइनर एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बेलीज़ को फ्री ऑफ मलेरिया जो है वो WHO ने सर्टिफाई किया है. चलिए बाकी हम देख लेते हैं. बेलीज़ एक कंट्री है जो कि आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन कोस्ट में नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका में जो कि युकाटन पेनिनसुला पे है. ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो पहला बार मतलब इस नाम को सुने होंगे तो ठीक है, उसके लिए कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं. कैरिबियन आपको कोस्ट में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कंट्रीज वैसे ही हैं. ठीक है, और इसका जो कैपिटल सिटी है वो है बेल्मोपैन. ठीक है, तो कैपिटल सिटी बेल्मोपैन और ये आपको देखने को मिलेगा कि कैरिबियन कोस्ट जो नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका है युकाटन पेनिनसुला उधर आपको बेलीज़ देखने को मिलेगा. चलिए ये पोजीशन है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में अर्थ के और ये बॉर्डर करता है मेक्सिको को साथ साथ में गुआतेमाला को और कैरिबियन सी को. ठीक है, और ये शेयर करता है वाटर बाउंड्री होंडुरास के साथ में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेलीज का बैरियर रीफ जो है वो पार्ट है किसका जी, मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ का और ये सेकंड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है. इसके बाद में ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है उसके बाद ये दूसरे पायदान पे आता है. इस वजह से ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, क्योंकि अब ये चर्चा में है तो ये कल्चरली भी आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा और एनवायरमेंटली भी कितना ज्यादा ये रेलिवेंट है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज उपनिषद. तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने प्रेजेंट किया जो बाइडेन को पहला एडिशन प्रिंट जो कि बुक का नाम है द 10 प्रिंसिपल उपनिषद जो 1937 से है. ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बताए कि बहुत कुछ यादगार जो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि गिफ्ट किया गया है तो इस वजह से वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाता है. इसका जो ट्रांसलेशन हुआ था संस्कृत से मतलब संस्कृत में बेसिकली उसको श्री पुरोहित स्वामी जो है उन्होंने किया था. एक स्कॉलर हैं हिंदू स्क्रिप्चर के और आयरिश पोएट के भी WB Yeats. इनको माना जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशंस है उपनिषद का जो कि काफ़ी हिंदू रिलीजियस के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ही महत्वाकांक्षी ये है टेक्स्ट. और इसका मतलब इसको लिखा गया था मिड 1930s में जो कि प्रोडक्ट है यीट्स का डिज़ायर का कि एक ट्रांसलेशन होना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट का जो कि लेमैन के भाषा में समझा जा सके, क्योंकि संस्कृत में जब होगा तो एक आम आदमी नहीं समझ सकेगा तो इस वजह से लेमैन के लिए समझदार हो सके समझ सके उस चीज को. नाउ दो कैटेगरीज है हिंदू स्क्रिप्चर्स का जो कि ब्रॉडली आप देखोगे. पहला है श्रुति. श्रुति मतलब कि उसको सुन करके उसको बताया गया हो. आप बोल रहे हो आप मतलब आपके फ्रेंड ने सुना फिर आपके फ्रेंड ने किसी और को तो श्रुति मतलब कि सुन करके. वेदों को वैसे भी कहा जाता है कि श्रुति के ही आधार पे है. दूसरा स्मृति. स्मृति मतलब कि याद करके. ठीक है, उसको रिमेंबर करके ये आपका स्मृति हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो पहला कैटेगरी है उसको माना जाता है कि ये मोस्ट अथॉरिटेटिव है और ये चार वेद जो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद उससे ये इसी से इंस्पायर्ड है मतलब उसी के आधार पे ये बना है. और दूसरा आपको देखोगे ब्राह्मणास जो कि रिचुअल टेक्स्ट है संहितास जो कि मंत्रास है अरण्याकस जो कि फॉरेस्ट वगैरह से डील करता है और उपनिषद जो कि फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है. ठीक है, उपनिषद आपको फिलोसॉफिकल टेक्स्ट देखने को मिलेगा. चलिए सेकंड कैटेगरी जो है हिंदू स्क्रिप्चर्स का वो लेस अथॉरिटेटिव है क्योंकि वो सिर्फ याद के आधार पे है. अब किसी को कुछ भी याद आ सकता है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि त्रुटि हो सकता है. तो ये माना जाता है कि यह डिराइव किया गया है फ्रॉम द फर्स्ट बट मोर पॉपुलरली नोन और ये ग्रेट एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत जो है वो इसी के आधार पे है. धर्मशास्त्र पुराणास ये सब इसी के आधार पे बनाया गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. तो आप देखोगे उपनिषद क्या है तो उपनिषद को कहा जाता है वेदांत और ये सिग्नल करते हैं एंड ऑफ द टोटल वेद जो कि स्पेक्यूलेट करता है किस तरीके से आपको ह्यूमैनिटी और कॉस्मोस देखने को मिलेगा और ये सर्व करते हैं फाउंडेशनल टेक्स्ट अलग अलग ट्रेडिशंस में हिंदू थियोलॉजी के. नेक्स्ट ये डेट करता है रफली 800 से लेकर 500 BC तक और साथ साथ में ट्रांसमाइग्रेशन को भी दिखाता है हिंदू ट्रेडिशन में और इम्पोर्टेंस इसको आदि शंकराचार्य ने दिया है. तो ये आप देख सकते हो नाम. चलिए उपनिषद को मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है 8वीं सेंचुरी के जो हिंदू स्कॉलर हैं आदि शंकराचार्य जी उनके द्वारा. ठीक है, चलिए इनका इंटरप्रिटेशन जो है वो सिंथेसाइज किया गया था अद्वैत वेदांत ट्रेडिशन में. डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि जो आदि शंकराचार्य जी हैं वो कौन से डॉक्ट्राइन को प्रमोट करते थे तो अद्वैत वेदांत. ठीक है, ये नॉन डुअलिस्टिक फिलोसॉफी है मतलब आप ये फिलोसॉफी भी ध्यान रखेंगे नॉन डुअलिस्टिक फिलोसॉफी. कहीं ना कहीं ये जो फिलोसोफर्स हैं जैसे कि स्वामी विवेकानंद और राधा कृष्णन जी ये कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर होकर के आपको देखने को मिलेगा. जो फिलोसॉफी है वो एम्फेसाइज करता है कि जो नेचर है इल्यूजरी वो आपको ट्रांजिएंट मतलब फिनोमिनल वर्ल्ड देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ जो मतलब इल्यूजन है सब कुछ और ये दुनिया भी एक इल्यूजन ही है. ठीक है, और उसके हिसाब से इसको हम मतलब देखते हैं. साथ साथ में आप देखोगे तो जो ब्राह्मण है वो इकलौते और अल्टीमेट रियल माने गए हैं इसके हिसाब से. ठीक है, साथ साथ आप देखोगे तो
जो उपनिषद्स है वो माना जाता है कि ये रिलेशनशिप में है आत्मा के साथ में, और ये अनचेंज करता है सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। और जो 10 मेन उपनिषद्स है, ईशा, केना, बाकी आप देख सकते हो, जो आपको रटना नहीं होगा, ठीक है, साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा, ये तटीरिया जो है और मंदुकिया है, ये सब आप नाम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक उपनिषद है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क का। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहा है 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर्मी को और ITBP को, कि वो डेवलप कर सके नए बंकर्स और बॉर्डर आउटपोस्ट LAC के पास में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क। तो जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो आपको देखने को मिलेगा कि 50 हेक्टेयर्स जो है वो ट्रांसफर किया गया है लैंड आर्मी को और ITBP को, कि वो डेवलप कर सके नए बंकर्स को और बॉर्डर आउटपोस्ट्स को, जो कि LAC में, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो चाइना के पास का है, ठीक है। चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं, ये जो पार्क है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज है जो कि उत्तराखंड में फैला हुआ है, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये अपर कैचमेंट में लाई करता है रिवर भागीरथी के, और फेमस गंगोत्री टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको देखने को मिलेगा अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं देवप्रयाग पे, तभी वो गंगा भी बनता है। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये जो बाउंड्री है वो नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है चाइना के साथ में, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में। मेजर पोर्शन जो है गंगोत्री नेशनल पार्क का वो स्नो कवर्ड ही होता है। इसी के साथ में आप देखोगे तो गंगा रिवर का ओरिजिन भी यहीं से है, गौमुख, जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क, इसी वजह से उसका नाम भी पड़ा है, और गंगोत्री जो कि सैक्रेड हिंदू श्राइन भी है। इसके साथ साथ ये कॉरिडोर बनाता है गोविंद नेशनल पार्क का और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये एक कॉरिडोर बनाता है। आपको ध्यान रखना है कि गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच एक कॉरिडोर बनाता है। और मेजर पिक्स में आप देखोगे तो ये कुछ आपको सतोपंथ चौखंबा, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि मेजर आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्लोरा में आप बात कर सकते हैं वेस्टर्न हिमालयन अल्पाइन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी का पार्ट है हायर ऑल्टीट्यूड्स में। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रोडोडेंड्रॉन, ओक, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, हिमालयन मस्क, डियर, सांभर, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट सेकंड एक्चुअली, वो बेल के बारे में बात करते हैं हम। तो ये इसका टाइप्स और प्रोविजंस क्या है, चर्चा में क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिफ्यूजल होता है फ्यूजिटिव को अक्यूज्ड का कि वो सरेंडर करे, वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए राइट ऑफ अनदर पर्सन का जो कि अक्यूज्ड हो सेम केस में टू गेट बेल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा। बेल जो है वो एक कंडीशनल रिलीज होता है एक पर्सन का जो कि अक्यूज्ड है कि चलो ये किसी ने मतलब ये क्राइम किया है, और उसको जस्टिस मतलब ट्रायल जो है वो वेट कर रहा है ट्रायल होने का, ठीक है। और उसके बाद में ये प्लेज किया जाता है कि अपियर करे अक्यूज्ड का जब ये सेम जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत हो। बेल बेसिकली यही है कि चलो कहीं ना कहीं वो जेल में है लेकिन उसको मतलब छोड़ा जा सके बेल पे, ठीक है। इसी के बारे में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं CRPC जो है वो डिफाइन नहीं करता है बेल को कहीं पर भी, ये आपको ध्यान रखना है कि द वर्ड CRPC डज नॉट डिफाइन द वर्ड बेल, और CRPC सिर्फ कैटेगराइज करता है ऑफेंसेस को अंडर द IPC एज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो जो आईपीसी में है उसको सिर्फ ये कैटेगराइज करता है। बेलेबल ऑफेंसेस वो है जहाँ पर जो अक्यूज्ड पर्सन उसके पास राइट है कि उसको बेल दिया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही है बेलेबल, और जो नॉन बेलेबल होगा उसमें बेल नहीं मिल सकता है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट के पास में पावर होता है कि वो ग्रांट कर सकते हैं बेल बेलेबल ऑफेंस के लिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस वही है जहाँ पर मैटर ऑफ राइट ये नहीं है कि आपको बेल मिल सके, और अक्यूज्ड पर्सन जो है वो अप्लाई करते हैं कोर्ट को बेल के लिए, और कुछ केसेस में मजिस्ट्रेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि जो अक्यूज्ड है वो फिट है कि नहीं कि उसको रिलीज किया जा सके बेल के नॉर्म पे। और टाइप्स ऑफ बेल आप देखोगे तो एक रेगुलर बेल होता है जो दिया जाता है इंडिविजुअल को कि ऑलरेडी अगर उसको अरेस्ट किया गया और वो पुलिस कस्टडी में रखा गया हो। इंटरिम बेल दिया जाता है किसको कि मतलब कहीं ना कहीं जब वो पेंडेंसी हो इंसान का कि मतलब उसका पेंडेंसी मतलब कोर्ट में भी चल रहा है या फिर उसने एंटीसिपेटरी बेल मतलब उसका पेंडिंग हो तो वो इंटरिम बेल है। फिर आप एंटीसिपेटरी एक बेल होता है, एंटीसिपेटरी बेल ये है कि मान लो किसी इंसान को पता है कि वो पहले से अरेस्ट हो सकता है तो इसीलिए उसने जाकर के पहले से एक एंटीसिपेटरी बेल ले रखा हो कि उसको वो प्रोटेक्शन मिल सके। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मतलब अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस बाय द पुलिस, तो उसी के केस में, यानी कि तीन प्रकार से बेल हमने देख ली है। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। तो न्यू दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल है जो कि फाइन किया गया है इसको मतलब नेग्लिजेंस के लिए। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, ये एक क्वाजाई जुडिशियल कमीशन है भारत का जिसको 1988 में बनाया गया था, किसके तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इसको किसके तहत एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये प्रोवाइड करता है स्पीडी, इकोनॉमिकल और मतलब रिजोल्यूट करना समरी ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स का, उससे ये रिलेटेड है। इसको हेड करते हैं सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के या फिर सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, तो कोई भी मतलब कर सकता है, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मतलब किसके तहत है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था,
वीडियो आपने अगर पूरा देखा होगा तो थैंक यू सो मच, और कैसा कंटेंट लगा आपको ये भी आप श्योर बताइए, और साथ साथ में प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना ओपिनियन आप शेयर करते रहिएगा, आपको और मतलब किस टाइप की वीडियोस चाहिए, वी विल ट्राई कि हम उस पर भी वीडियोस ला सकें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।